हम नारनौल पहुंच चुके हैं, नारनौल विधानसभा, ये महेंद्रगढ़ जिले में आती है। अगर जिला मुख्यालय की बात करें तो यहाँ जिला मुख्यालय ना कि महेंद्रगढ़ के अंदर है, और अक्सर जिला मुख्यालय नारनौल को बनाने की बात करते हैं। लेकिन यहाँ के थोड़े से मौजूदा हालात की बता दें, सियासी समीकरण यहाँ पर मौजूदा वक्त में ओम प्रकाश यादव बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन इलाके में कितना विकास हुआ, जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरे और जनता के मुद्दे क्या है, ये जानने के लिए हम लोगों से ही बात करते हैं और करते हैं उनसे मन की बात। सर, इलाके में विकास हुआ, कितना काम हुआ है इन 5 सालों? इस सरकार में ही इस इलाके की किसी ने सुध ली है, वरना अब तक जितनी भी सरकारें आई और गई उन्होंने इस इलाके को कभी ढंग से देखा भी नहीं है। एक सरकार से हमें क्या चाहिए? एक सरकार से हमें बिजली चाहिए, पानी चाहिए, बेरोजगार युवाओं को नौकरी चाहिए, जो कि इस सरकार ने ही वो सब चीजें इस इलाके को दी है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं में भाई साहब हॉस्पिटल हमारा इतना अच्छा हो गया अब यहाँ का सिविल हॉस्पिटल कि दूर दूर से लोग 50 किलोमीटर के एरिया के लोग नारनौल सिविल अस्पताल में अपना इलाज करवाने के लिए चलिए लोगों से और कुछ क्या? बिल्कुल कहना चाहेंगे, जिस स्वास्थ्य सेवा की ये बात कर रहे हैं इनसे पूछिए कि यहाँ पर एक भी अगर कोई हार्ट का कार्डियो का कोई डॉक्टर है, क्या यहाँ डॉक्टरों की संख्या पूरी है? क्या यहाँ पर जो एक भी सर्जन, 15 लाख की आबादी जिला महेंद्रगढ़ की, क्या यहाँ पर कोई भी ऐसा कुछ है? और जिस गऊओं के नाम के ऊपर बीजेपी राजनीति कर रही है, उन गऊओं की हालात आपने देखा होगा, यहाँ पर आए होंगे, तो क्या हालात उन गऊओं के? सर, हम लोकल इश्यूज पे बात करें, आप यूथ है क्योंकि सरकार ये दावा कर रही है कि पारदर्शी तरीके से नौकरी दी गई, क्या ये एक अच्छी पहल दिखी, क्या वाकई में असर हो रहा है इस बात का? सर, इस बात का तो असर हो रहा है, लेकिन भाई साहब जैसे कह रहे थे यहाँ स्वास्थ्य जो कांग्रेस सरकार ने किया था उसके बाद स्वास्थ्य सेवा में कोई सुधार नहीं। मैं कांग्रेस सपोर्टर नहीं हूं सर, लेकिन जो नई बिल्डिंग बनाई थी कांग्रेस सरकार ने उसके बाद से क्या बदलाव है? सरकारी चले कुछ सरकार में यहाँ के विधायक स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते, ये उस वक्त ये सब सवाल क्यों नहीं पूछे गए? 4 साल से CIA रोड ज्यू का तू पड़ा हुआ है, खुद का हुआ, उस रोड का इन्होंने काम नहीं करवाया। दूसरा, जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पास जो रोड है, 4 साल से ऐसे कैसे खुदा हुआ है? एक महावीर चौक पर रेड लाइट पिछली सरकार में लगी थी, वो इनसे दुरुस्त नहीं हो चुकी। क्या वाकई में इलाके में विकास हुआ है, नहीं हुआ है, 5 साल में बदला है? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछले 5 साल में नारनौल में जितना विकास हुआ है शायद और किसी सरकार में नहीं हुआ। 18 साल की उम्र में एक बेरोजगार अपनी नौकरी ढूंढता है, और मैं आज 36 साल का हो गया हूँ, 3 सरकारें मैंने देखी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिन जिन युवाओं को नौकरियां दी है कोई खर्ची पर्ची से नहीं दी। खर्ची और पर्ची ये बड़ा इश्यू चल रहा है और चुनाव में हम देख रहे हैं लोग इसकी तारीफ करें। जी बताइए, क्या वाकई में यहाँ पर बिजली बेहतर हुई, सड़कें बेहतर हुई, पानी मिल रहा है? कोई सुविधा है, सरकार बिल ले रही है, ओम प्रकाश रेडियो को 3-4 बार कह भी दिया, लेकिन कोई वो सुविधा नहीं हो रही, ना DC हुआ। और जब कांग्रेस की सरकार थी जब पानी रेगुलर आता था, दिक्कत। हाँ बाबू जी, आप बताइए, बहुत देर से कह रहे हैं। अभी तक लाइट नहीं है, सुबह से बड़ी परेशान तो लाइट आ रही है, परेशान है। नहीं, आप देखिए बाल्मीकि समाज में जाएंगे, बाल्मीकि समाज का प्रेसिडेंट हूँ मैं, कोई लाइट नहीं है, सुबह से परेशानी आ रही है, पहले भी ऐसा ही था और अभी नहीं है। लाइट है नहीं है, क्या लाइट नहीं है? खर्ची पर्ची पे एक बात है, बीजेपी सरकार ने जिले में कॉन्स्टेबल और चपरासी देकर जिले को खुश कर दिया, लेकिन कांग्रेस राज में नांगल चौधरी के विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव जी के भांजे, नारनौल की बताइए ना, नारनौल में विकास हुआ? बिल नारनौल में 2014 के बाद विकास का पहिया बिल्कुल थम गया है। 2009 से 14 के बीच में नारनौल में बाईपास बनाया था, नारनौल में विकास हुआ? नारनौल में कोई विकास नहीं हुआ। और यहाँ मेन समस्या ये, इन्होंने एक कर्मचारियों के लिए वादा किया था कि पंजाब समान वेतन देंगे, आज तक इन्होंने लागू नहीं किया है, कर्मचारियों का शोषण किया है इन्होंने, पंजाब स्केल के ऊपर ये कह रहे हैं कि पंजाब से ज्यादा है। आप यूथ हैं, रोजगार की पॉलिसी से सरकार से खुश है? कोई खुश नहीं है, जो रोजगार युवा है, जो युवा है वो अपने पेपर देने के लिए यहाँ से सेंटर काफी दूर 200-300 किलोमीटर दूर सेंटर आता है, किसी भी युवा को रोजगार नहीं दिया गया। बात यहाँ पर अगर हम सड़कें की करें, विकास की करें, तो विकास सिर्फ बातों में हुआ है, सड़क आज भी बद्दर हालत में है यहाँ पर सड़क। कोई खास बात नहीं है, काम ठीक ठाक हो रहे हैं, आगे भी होंगे, बढ़िया है पार्टी है, आगे भी जितने भी सारे काम होंगे,
लाइट भी पूरी पूरी आ रही है, सब झूठ है। बाईपास बने हुए 5 साल हो गए, बाईपास नारनौल का बाईपास बने हुए 5 साल हो गए, दूसरे हिस्से में एक ईंट भी नहीं लगाई। आइए बोले, आप बोले बोले। अच्छा अच्छा, क्या माहौल लग रहा है इस बार कांग्रेस बीजेपी? बीजेपी ने पूरे काम कर रही है, मन धंधे शर्मा जी ने दो काम कर रही है, बीजेपी पूरा काम कर रही है। हाँ, बीजेपी में पूरा काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, राज अब यही रहेगी। 10 साल हुड्डा ने राज किया, 10 साल हुड्डा ने राज किया, ठीक है। इस इलाके ने कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिता जिता कर भेजा विधानसभा में, ठीक है। नारनौल के विधायक उस समय स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, महेंद्रगढ़ के विधायक सीपीएस हुआ करते, और टेली की विधायक कांग्रेस सीपीएस हुआ करती। चाहते तो पूरे जिले का सुधार कर सकते थे, कोई शुद्ध नीली सरकार ने। यही एक सरकार है जिसने आकर के दक्षिण हरियाणा की पहली बार नारनौल में कांग्रेस के सरकार में बाईपास बना, नई बिल्डिंग बनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल दिला मिला है। बीजेपी सरकार में क्या मिला? कुछ नहीं मिला। अल्ट्रा भाई साहब, क्या विकास हुआ? सर, अनाज मंडी की समस्या है, वो की वो जैसे की जैसे ही है। नारनौल अनाज मंडी जो बनाई थी नांगल चौधरी रोड पे, कई बार हम मिल चुके, कोर्ट में प्रोटेस्ट हो चुका, लेकिन वही की वही समस्या बनी हुई है। ठीक है ठीक है, मैं चाहता हूँ कि अपने मुद्दे बताएं, अपने लोग आए और मुद्दे बताएं कि आपके इलाके की क्या दिक्कत है, आपके इलाके की क्या दिक्कत है, और आप जब वोट डालने जाएंगे तो आपके जहन में मुद्दे क्या रहेंगे? भाई साहब, 7 साल से शाम टुलोंडी बनी हुई है, ना वहाँ पर लाइट है, ना सड़क है, कुछ भी नहीं है भाई। सब परेशानी, उसके लिए मंत्री और चक्कर काट काट के परेशान हो रहे हैं सर। पहले भी ऐसा ही था और अब भी ऐसा ही है, पहले भी ऐसा ही था और आज भी ऐसा ही है। ठीक है, आपके आप मानते हैं कोई सरकार ध्यान नहीं देती है? कोई सरकार ही ध्यान नहीं देती है, कुछ भी अलग है। इलाके की अगर बात की जाए तो इलाके में सबसे बड़ी दिक्कत है करप्शन। करप्शन की मैं बात करूं तो करप्शन यहाँ पर कहने के लिए विकास किया जा रहा है, विकास के नाम पर रोड भी बनाए जा रहे हैं, सीवरेज भी बनाई जा रही है और सारे काम किए जा रहे हैं, लेकिन आज आप मौजूदा हालात देखेंगे तो उसको अगर आप जांच करवाएं तो मात्र शायद भ्रष्टाचार, क्योंकि सरकार कहती है कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है भ्रष्टाचार पर, तो क्या भ्रष्टाचार खत्म हुआ? भ्रष्टाचार खत्म कहां से हो? ओवरलोड के पूरे ओवरलोड चल रहे हैं, ओवरलोड के ट्राले ट्रैक्टर चल रहे हैं रात को, यहाँ हमारे लोग मरते हैं एक्सीडेंट में, हमारे लोग मरते हैं रात को यहाँ पे। इनके भ्रष्टाचार खत्म है? ओवरलोड देखिए अभी 8 बजे बाद यहाँ ओवरलोड कैसे चलते हैं आप देखिए। भर्तियों की बात करते हैं, क्या आपको लग रहा है कि खेलों में यूथ को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि हरियाणा में खेल एक वजह पूरा सपोर्ट मिला है सरकार का, इससे पहले ऐसा किसी सरकार में नहीं हुआ जो ये सरकार में हो रहा है। और नौकरी की पॉलिसी जो लेके चल रही है सरकार, बराबर काम जा रही है, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, कोई नहीं छूटेगा, सबको नौकरी मिलेगी, सबको। और बैठे बैठे मिलती है। आपको क्या लग रहा है, सरकार कामकाज से खुश है और क्या? खुश है, बहुत खुश है सरकार के कामकाज से, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। सबसे बढ़िया काम है कि निष्पक्ष नौकरी हो रही है, बढ़िया, यूथ के लिए बहुत फायदा है। मौजूदा विधायक इलाके में नजर आते हैं? अजी कहाँ नजर आते हैं, मुझे तो बिल्कुल आते हैं। मौजूदा विधायक बढ़िया, बढ़िया काम किया, बढ़िया। आपको लग रहा है कि मौजूदा विधायक को आपने देखा है? मौजूदा विधायक को राजनीति के बारे में, विकास के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, वो पहली बार एडीओ के विधायक बन गए। बाबूजी आप आइएगा, आपने तो बहुत सारे चुनाव देखे हैं, इस बार क्या माहौल लग रहा है नारनौल का और पूरे हरियाणा का? भाई कुछ भी नहीं, नारनौल के एरिया में कोई नहीं, कोई रोड नहीं, कोई और नहीं है, और इस अंदर भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार का सौदा है, और बाकी कोई जगह नहीं। चले आप बताए, का मुद्दा मोदी जी ने ऐसा गलत कर रखा है, पब्लिक बड़ी परेशान हो रही है। ठीक है, और कोई कहा कूड़ा जो कूड़ा है, बाकी लोगों को मौका देना है अपनी बात। नहीं देखो ऐसा जी, उन्होंने क्या किया इस सरकार ने, क्या क्या कुछ नहीं किया, टीवी टावी देखते रहेंगे सर। सरकार ने कुछ नहीं किया, वादा किया, वादा पे खड़े नहीं उतरे हैं ये लोग। कूड़े बीजेपी को कूड़ा डाल देते हैं और कूड़ा डाल देते, कूड़ा खुद ही उठा लेते हैं। स्वस्थ भारत कहाँ है? कहाँ है स्वस्थ भारत? नहीं है, गलत है ये सब। नहीं तो ये लोगों में जागरूकता की कमी है ना? हाँ, जागरूकता क्या, वोट तो ले लेते हैं हमारे बीजेपी वाले और कार्य करते नहीं है। मौजूदा विधायक नजर आते हैं इलाके में, काम किया उन्होंने? हमारे कॉलोनी में गांव दोंगली से बाहर, कौन सी कॉलोनी? अर्जन कॉलोनी बसी हुई है दोंगली से बाहर जोड़ के अंदर, वो अभी तक
काम नहीं हुआ है, कोई रास्ता नहीं बनाया, कोई अर्जन चौपाल नहीं बनाई, उसके पैसे भेज दिए लेकिन कोई काम नहीं हुआ है। पंद्रह दिन की डेट देते हैं अल्ट्रासाउंड में, सरकारी हॉस्पिटल में पंद्रह दिन की डेट देते हैं अल्ट्रासाउंड के लिए। ये बात तो मैं मानता हूँ, बिल्कुल स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर है इलाके में, स्वास्थ्य सुविधा बेहतर है, समय समय और दिशाएं बदलती रहती है, समझे जी। लेकिन काम किया सरकार ने आज तक हरियाणा की राजनीति में। अगर गरीबों के बच्चे, खासकर इस नारनौल के ऐतिहासिक बीरबल की भूमि में, अगर गरीब ब्राह्मणों के, सैनिकों के, हरिजनों के बच्चे लगे तो पहली बार नौकरी लगी, पहली बार नारनौल के पूरा कर मिला। सर, इलाके में विकास हुआ आपको नजर आता है, पांच साल में कुछ बदला नारनौल के अंदर? कुछ नहीं बदला, कुछ भी, जैसे कांग्रेस छोड़ के गई थी वैसे का वैसा हाल है। अब कह रहे हैं नौकरी बेहतर दी, योग्य लोगों को नौकरी मिली, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं जी, हमारे को नजर नहीं आता नौकरी मिली। और ये बताते हैं आपको, नारनौल में नारनौल महावीर चौक से लेके और रेवाड़ी रोड के गंदे लड़े संसार करता रोड में टाइलें लगी, प्रत्यक्ष का प्रमाण की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने एक मुहिम चलाई है, पहले रिपोर्ट फिर वोट। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेस वालों से कि उन्होंने 10 से 15 साल हरियाणा में राज किया, उन्होंने पब्लिक को कितनी रिपोर्ट दी है? और पिछले 5 साल से मोदी सरकार हो या मनोहर लाल सरकार हो, एक एक रुपए का हिसाब जनता को दिया है। क्या आपके आपके इलाके में मौजूदा विधायक ने काम किया है? भाई साहब कुछ काम नहीं हुआ है, दो बूंद पानी होते ही यही पानी भर जाता है गोड्डे गोड्डे, कुछ विकास नहीं हुआ वैसा का वैसा, और कर्मचारियों के लिए भी कुछ नहीं किया। समाज का क्या लग रहा है, क्या माहौल? मैं एक छात्र होने के नाते ये कहना चाहता हूँ, 5 साल में छात्रों की हितों की मांग उठाई तो बीजेपी ने किया है काम, छात्रों के हितों में बीजेपी ने काम किया है। 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, किसी भी काम को नौकरी और खेलों में कुछ बढ़ावा दिख रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल बढ़ावा दिख रहा है जी, बहुत बहुत और भी मैं इस सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, नारनौल हल्के से 100 में से 100 नंबर देना चाहता हूँ। चलिए आप लोग कह रहे हैं, और भी लोगों से जान लेते हैं, भैया विकास हो रहा है नारनौल में? विकास तो हो रहा है बिल्कुल। चाचा जी विकास हुआ है नारनौल? नारनौल में खूब विकास कर रहा है बीजेपी। क्या माहौल लग रहा है? बहुत बढ़िया माहौल है। किसका माहौल लग रहा है? बीजेपी का। बीजेपी का माहौल? क्या बीजेपी का माहौल? हाँ जी बीजेपी माहौल है, बीजेपी का। अच्छा 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 माहौल है, बीजेपी का विकास किया है, बीजेपी का अच्छा काम किया, वैसे अच्छा काम, अच्छा माहौल हो रहा है, बढ़िया काम कर रहा है बीजेपी में, काम बढ़िया कर रहा है। ठीक है ठीक है। और भी कुछ लोग हैं, क्या कहेंगे आप नारनौल में क्षेत्र में विकास हो रहा है? विकास हो रहा है बीजेपी, कांग्रेस ने 15 साल राज किया, इनको 15 साल में कुछ नहीं, इनको 5 साल में सब कुछ ही है, तो बीजेपी ने 5 साल के अंदर बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बढ़िया काम। आपके इलाके की कोई समस्या जो आप रखना चाहें? हमारे इलाके की कोई समस्या? बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया करा है।